बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ए न्यूज़ के साथ मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। अदालत का मंसूबे की रिपोर्ट बैनुल अक्वामी फर्म से तैयार कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस हो रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अज़रबैजान के सरकारी दौरे पर बाकू रवाना। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने कराची के मेयर वसीम अख्तर की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत फैसला 18 अक्टूबर को सुनाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,600 की सतह पर पहुंच गया। और इस्लामाबाद में स्पेन के सिफारतखाने के काउंसलर अताशी ने खुदकुशी कर ली है।